सोशल मीडिया पे एक वायरल हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि बांद्रा स्टेशन पर कुछ लोग एक लड़के के साथ मारपीट कर रहे थे, उसके बाद आपने इसको लेकर के ट्वीट भी किया है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक आपको इस बारे में? देखिए, हमको आज रात को पता चला, तकरीबन 10:30 बजे वीडियो आया, इस तरह का वायरल हो रहा था। बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई कि मुंबई जैसे शहर के अंदर इस तरह की घटना हो रही है कि लव जिहाद के नाम पर, जबकि लव जिहाद जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है, लव जिहाद के नाम पर आप एक मुसलमान निहत्ते लड़के को कुछ हिंदुत्ववादी गुंडे, मैं कहूँगा उनको, वो पकड़ते हैं, बेरहमी से मारते हैं अकेले को, वहाँ पर पुलिस खड़ा हुआ है आरपीएफ का, देख रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उसको मारते हुए लेके जा रहे हैं, JSR के नारे लगाए जा रहे हैं, उनको बोल रहे कि ये इस लड़की को लेकर आ गया था। अरे ये क्या हो रहा है हमारे शहर में? और आज हम आज़ादी का 77वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, हमारे शहीदों ने कभी सोचा नहीं होगा जिंदगी में कि हम मुसलमानों को इस तरह के दिन कभी देखने पड़ेंगे हिंदुस्तान के अंदर। इतना शर्मनाक हुआ कि क्या कर रही है पुलिस प्रशासन? अगर आपको लगता है किसी ने गलती किया, पुलिस है ना, ले जाओ उसको कानून के तहत सजा दो, आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया है? ये क्यों होता है, ये इतना रेडिकलाइजेशन कहाँ से होता है? जब ये महाराष्ट्र की सरकार ये महापंचायत के नाम पे परमिशन देते जा रही है, जहां पर अनाउंसमेंट किया जाता है, लव जिहाद के नाम पे बात की जाती है, मुसलमानों के नरसंहार की ओपन कॉल बात की जाती है, और उनके ऊपर जब FIR होता है उनको अरेस्ट भी नहीं किया जाता, परमिशन दी जाती है, तब जाके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। देखिए क्या हो रहा है, बड़ी शर्मनाक बात है। हम तो चाहेंगे, मैं तो आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन CM साहब को कहना चाहता हूं कि इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, ये जो भी लड़के थे जिन्होंने इस तरह की हरकत की, उसको मारा, उसको अरेस्ट करना चाहिए, कानूनी सख्त से सख्त उनको सजा मिलना चाहिए। कहाँ चले गए मोदी जी अभी? सबका साथ सबका विश्वास, सबकी विश्वास की बात करने प्रयास की, ये हो रहा है आपके राज में, आप खामोश बैठे हैं मोदी जी। मॉब लिंचिंग पे कानून तो बना रहे, लेकिन इस तरह के बेलगाम घोड़ों को कौन रोकेगा, कब रुकेगा? क्यों इतनी नफरत फैल रही है हमारे देश में? पिछले 9 साल में तो ऐसा लग रहा है कि पूरा बस नफरत से भर गया है देश। अरे अगर आपको लगता भी है ना कि किसी ने कोई गलती गुनाह किया है, तो पुलिस प्रशासन है, आप उसको पुलिस में लेकर जाइए, लेकिन इस तरह से नहीं कर सकते। यही लव जिहाद, यही महाराष्ट्र के अंदर असेंबली में खड़े होकर भाजपा के मंत्री ने चिल्ला कर कहा था, 50,000 से ज्यादा किस्से हो गए हैं महाराष्ट्र में, बताइए ना। हमने सवाल किया, बताओ ना हमको कितने किस्से हुए, 10 नहीं बता सकते। ये लव जिहाद नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, फिर भी लव जिहाद के नाम से कर रहे हैं, उसका क्या करेंगे? भगवा लव ट्रैप भी चल रहा है, जहां पर बोला जाता है कि जा बेटा मुसलमान की लड़कियों को फंसाओ, पैसा दिया जाएगा, उनसे शादी करो, बच्चों को छोड़ दो, फिर बच्चे पैदा करें, उसका क्या करेंगे आप? तो नफरत को बंद करना चाहिए। काफी सुपरस्टारों ने, काफी बीजेपी के मंत्रियों ने भी इंटरकास्ट मैरिज किया है ना, नॉन मुस्लिम से शादी की है, तो क्या आप सबको लव जिहाद के नाम के ऊपर ये कर देंगे? तो हमारा तो यही कहना है कि इस तरह किसी भी तरह की गुंडागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सरकार मुंबई पुलिस को फौरन इसकी जांच करनी चाहिए, और जो भी मुब्तिला है, देखिए हमने जब बात की वहां पे तो हमको ये पता चला कि अभी का नहीं है, ये कुछ दिन पहले का है, तो क्या कर रहा था प्रशासन? RPF ट्रेन में आप, हम सबने देखा कि किस तरह से एक RPF के जवान ने कुछ दिनों पहले ही मुसलमानों को, जो जयपुर से मुंबई ट्रेन आ रही थी, उसमें गिन गिन के निकाला और 3 लोगों को मार दिया, बेरहमी के साथ उनका कत्ल कर दिया। तो जब तक इस तरह का रेडिकलाइजेशन नहीं रुकेगा, पुलिस तक नहीं हो जाएगी, कानून व्यवस्था को सख्त नहीं किया जाएगा, तो ये तो करते रहेंगे, तो बेलगाम घोड़ों की तरह निकल पड़े, तो पुलिस को इमीडिएट स्टेप लेना चाहिए। सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से मांग है कि इमीडिएटली जो भी वीडियो में लड़कों के तो फोटो आ गए हैं, वो पुलिस वाला खड़ा हुआ है, इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, सबको फौरन अरेस्ट करना चाहिए, इनका केस फास्ट ट्रैक में चलाओ और ऐसी सजा दो ताकि आगे से कोई भी इस तरह की हरकत करने की सोचे भी नहीं। ये हमारी सरकार से एक सवाल ये होता कि जिस वक्त ये मारपीट घटना हो रही थी वहां पर पुलिस वाला भी मौजूद थे, बावजूद इसके अब तक पुलिस स्टेशन में कोई मामला तक नहीं? बिल्कुल, मैंने आपको यही तो बताया कि वहां RPF का पुलिस वाला दिख रहा है पीछे, हमारे पास वीडियो है, तो उस पुलिस वाले की जवाबदारी बनती थी, जिम्मेदारी बनती थी कि जाए पुलिस पे कंप्लेंट करे, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या वो भी मिला हुआ है साथ में, तो क्या होगा, इतना रेडिकलाइजेशन कहां से आ जाता है? ये RPF का एक इंसान का, मैंने अभी आपको वाक्य बताया किस तरह से ट्रेन में जाकर उसने मुसलमानों को मार दिया, टेरर एक्ट है वो, तो हम चाहेंगे कि सरकार इसके ऊपर सख्ती के साथ कदम उठाए और इन जैसे लोगों को जेल की हिरासत में फौरन डालना चाहिए, तब जाके ये घटनाएं बंद होगी, वरना हमारे देश को हम कहां लेकर जा रहे हैं, आप सब देख रहे हैं हमारे देश।